पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब रायगंज से भाजपा विधायक कृष्ण कल्याणी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कृष्ण कल्याणी के इस्तीफे के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, जब उन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्ष वासुदेव सरकार से विवाद के बाद किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया था। बताते चलें कि कृष्ण कल्याणी को एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस उन्हें रायगंज में भाजपा के सांसद देवाश्री चौधरी के खिलाफ बयानबाजी के बाद भेजा गया था, लेकिन इसके अगले ही दिन खुद कृष्ण कल्याणी ने इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं उस पार्टी में नहीं रह सकता जिसमें देवाश्री चौधरी सांसद हैं। हालांकि उन्होंने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वो किस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इसी बीच कल्याणी के इस्तीफे पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि रायगंज विधायक कृष्ण कल्याणी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। वो भाजपा नेतृत्व का अपमान कर रहे थे। पार्टी अपने सिस्टम और अनुशासन से समझौता नहीं करेगी। रही बात पार्टी छोड़ने और पार्टी में बने रहने की, तो ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। वहीं बता दें कि 2 मई को टीएमसी के सत्ता में आने के बाद से पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेताओं का पार्टी छोड़ना जारी है, और इससे पहले बाबुल सुप्रियो और मुकुल राय के अलावा 3 अन्य विधायकों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।